अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मनाहिल और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, अजीब और कूल रेस्टोरेंट्स के बारे में बताऊंगी, जो कि आपने पहले कभी ना देखे होंगे, ना ही यकीन आएगा कि ये वाकई एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, आपको सोशल पॉइंट्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं, पहले नंबर पर है टॉयलेट रेस्टोरेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, टॉयलेट जैसा कि आप जानते हैं कि किस चीज़ इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ टॉयलेट रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आते हैं। लॉस एंजलिस में वाकई ये रेस्टोरेंट ऐसा बनाया गया कि ये रेस्टोरेंट कम और टॉयलेट ज़्यादा लगता है। इसकी दीवारों पर टॉयल्स में इस्तेमाल होने वाली टॉयल्स, चेयर और टेबल की जगह टॉयलेट सीट इस्तेमाल की गई हैं। रही सही कसर सेब का जूस पूरी कर देते हैं, जो कि टॉयलेट सीट में पेशाब जैसा नज़र आता है। लोग इसे बड़े शौक से पीते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कंडम रेस्टोरेंट्स की। जी हाँ, जो कि सुनकर बड़ा अजीब लगता है, मगर थाईलैंड में ऐसा रेस्टोरेंट है जो रेस्टोरेंट कम और कंडम मेला ज़्यादा लगता है। इसकी दीवारों पर कंडम की नक्शनकारी भी की गई है, हत्ता के वेटर्स भी टोपी कंडम की ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि बचा हुआ खाना भी कंडम में ही दिया जाता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं फ्रेंड्स बन एंड गन रेस्टोरेंट की। इसकी मुनफरद बात यह है कि ये किसी मिलिट्री और सरहदी छावनी की तरह डेकोरेट कर दिया है। रेस्टोरेंट में जगह जगह राइफल लटकी हुई होती हैं और हर वक्त रेस्टोरेंट में गन्स की आवाज़ गूंजती रहती है। वेटर्स में भी गन लटकाई रहती हैं। यहाँ पर फूड मेन्यू भी मुख्तलिफ हथियारों के नाम पर रखा गया है। इसका मोटो ये था कि ये पिज्ज़ा आपकी जान भी ले सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करते हैं चौथे रेस्टोरेंट की, जो है नेकेड रेस्टोरेंट। हमने आज तक नेकेड पार्ट, नेकेड एयरलाइंस का तो सुना ही था, लेकिन अब लंदन में नेकेड रेस्टोरेंट भी खुल चुका है। यहाँ फ्रेंड्स, लोग यहाँ पर बरहना होकर खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर वेटर से लेकर मैनेजर तक सभी बरहना रहते हैं। इस रेस्टोरेंट में ना बिजली है, ना लाइटिंग है, ना शीशे के बर्तन। फ्रेंड्स, पानी के लिए मिट्टी के गिलास इस्तेमाल होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मालिक का कहना है कि रेस्टोरेंट से हम लोगों को कदीम तरीन माहौल का एहसास दिलाना चाहते हैं, जब कपड़े, बिजली और शीशे के बर्तन नहीं होते थे। फ्रेंड्स, इस रेस्टोरेंट की वेबसाइट पर ऑलरेडी 50,000 लोगों की बुकिंग हो चुकी है और वेटिंग लिस्ट पर भी मौजूद हैं। पांचवें नंबर पर बात करते हैं रूट रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में जैसा कि आप जानते हैं कि रूट बिहेव होता है, आप रूट तरीके से आपको खाना दिया जाएगा, रूट तरीके से आपको बिल दिया जाएगा, रूट तरीके से आपको सर्विस रेस्टोरेंट पर खाना खाने भी जाते हैं। आई होप के लोग यहाँ पर अपना और वेटर्स का नाम जख्म करवा कर नहीं आते होंगे। छठे नंबर पर बात करते हैं ट्विन स्टार रेस्टोरेंट की। इमेजिन करें, आप ऐसी जगह दाखिल हो रहे हैं जहाँ हर जगह आपको जुड़वा हम शक्ल लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वह रूस के शहर मेक्सिको में ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ सिर्फ हम शक्ल जुड़ों को ही नौकरी पर रखा जाता है। इस रेस्टोरेंट का पूरा अमला आपको दो दो की शक्ल में नजर आता है, जो बहु एक दूसरे की शक्ल से मिलती जुलती हैं। दोनों जोड़े एक ही ड्रेस में, एक ही स्टाइल में आपको सर्विसेज फ्राहम करते हुए मिलते हैं। सातवें नंबर पर बात करते हैं खुशी नेकेड रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की एक अहम बात यह है कि इसमें खाना नेकेड लड़की के जिस्म पर सर्व किया जाता है। यहाँ फ्रेंड्स, जहाँ लोग उसके जिस्म को उठा उठा कर खाते हैं। आठवें नंबर पर बात करते हैं वाटरफॉल रेस्टोरेंट की। वाटरफॉल रेस्टोरेंट पर खाना खाते हुए हर बाइट के साथ पानी की जोरदार फुहार आपको भिगो देती है। ये मुनफरद रेस्टोरेंट है जो खाना खाते हुए आपको नहलाते हुए आप पर पानी की बारिश रखता है। नौवें नंबर पर बात करते हैं फ्लाउडिंग रेस्टोरेंट की। ये रेस्टोरेंट इस लिहाज से भी मुनफरद है कि यहाँ खाना खाते हुए क्रेन की मदद से आपको हवा में उठाया जाता है और आप हवा में झूलते हुए इन खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। दसवें नंबर पर बात करते हैं आइस रेस्टोरेंट। फ्रेंड्स, अगर आप इस रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं तो साथ जैकेट लेके जाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के अंदर का दर्जा हरारत -6 डिग्री है। रेस्टोरेंट की हर चीज कुर्सियों से लेकर दीवारों तक हर चीज बर्फ से बनी हुई है, और टूरिस्ट का मेन्यू भी उन्हीं चीज़ों का है जो सिर्फ बर्फ से बनी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए सोशल पॉइंट को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए और देखें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।